बैंक कर्मचारियों की हड़ताल। सरकार का विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में बैंक कर्मचारियों ने एक दिन की हड़ताल की है, जिसमें कर्मचारियों ने मांग की है कि श्रम विरोधी कानून वापस लिया जाए और कर्मचारियों की मांगे मानी जाएं। यदि कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गईं तो और भी ज्यादा उग्र आंदोलन होगा। बैंक कर्मचारियों के द्वारा सरकार से लगातार श्रम विरोधी कानून को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक कर्मचारियों की सरकार कोई भी मांग मानने को तैयार नहीं है। इसी का विरोध करते हुए मुरादाबाद में सभी बैंक कर्मचारियों ने एकजुट होकर एक दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया और सरकार से कानून वापस लेने की मांग की। क्या नाम है? मेरा नाम मनोज शर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन का कार्यालय सचिव हूं मुरादाबाद यूनिट का। बताइए। और आज हमारी ये एक दिवसीय हड़ताल है, जिसके अंदर हम बैंकों के जितने भी बैंक हैं हमारे, वो सब आज हड़ताल पर है। बैंक कर्मचारी संगठन जितने भी हैं वो हड़ताल पर हैं और हमारी सरकार से यही डिमांड है कि जो श्रम विरोधी कानून है उनको यह वापस ले बहुत जल्दी, और जो हमारा वेतन समझौता है वो भी शीघ्र किया जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो NPA की वसूली है वो शीघ्र करी जाए। हमें अच्छे कानून दिए जाएँ जिससे कि, और सख्त से सख्त कानून दिए जाएँ जिससे कि NPA की वसूली शीघ्र हो। ये कहते हैं कि बैंक घाटे में है, बैंक घाटे में कहीं भी नहीं है, कहीं से कहीं तक भी बैंक घाटे में नहीं है। आप बैंकों की बैलेंस शीट उठा के देखिए, सब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है और हजारों करोड़ के प्रॉफिट में है, मगर NPA की स्ट्रक्चर करने की वजह से बैंक को लॉस में दिखाया जा रहा है। ऐसा क्यों? कॉरपोरेट घरानों पे इतनी मेहरबानी क्यों? हम आज गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, कॉरपोरेट घरानों पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रही है गवर्नमेंट? हम यही चाहते हैं कि कॉरपोरेट घरानों पे जितने भी डिफॉल्टर्स हैं उनकी लिस्ट जो है वो शाया करें, सख्त कानून बनाएं जिनको उनको जेल में डाल के उनसे वसूली की जा सके। इसलिए आज हम एक दिवसीय हड़ताल पर हैं। देखिए, गवर्नमेंट अगर हमारी इस बात को नहीं मानती है तो आने वाले कार्यक्रम में हमारे जो हमारा संगठन है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, उसके आह्वान पर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। अभी इस टाइम जो है NPA की फिगर है 13 लाख करोड़ रुपया, 13 लाख करोड़ जो है वो NPA की फिगर है, जिसमें 80% तो कॉरपोरेट घरानों का ही है। कॉरपोरेट घराने जो हैं वो आज के टाइम में 100 करोड़ का जैसे लोन दिया जाता है बैंक की तरफ से, और फिर बाद में जब वो NPA हो जाता है दिवालिया घोषित कर दिया जाता है उस कंपनी को, और 10 करोड़ में वो जो लोन है वो उसको बेच दिया जाता है, तो 90 करोड़ रुपया जो है वो जनता का है, वो जनता का पैसा इस तरीके से डूब जाता है। तो हमारा यही है कि सख्त कानून बनाए जाएँ और हमारे को जो है क्रिमिनल अफेंस इसको घोषित करते हुए, जो बैंक का पैसा वापसी ना करें उनका क्रिमिनल अफेंस घोषित करते हुए हमारे को सख्त कानून दें जिससे कि हम रिकवरी कर सकें उनसे। अभी तक रिकवरी हुई नहीं? नहीं, रिकवरी होती है, मगर रिकवरी करने जाते हैं तो वही है कि वो कोर्ट चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो उनको वहाँ से छूट मिलती है, तो पैसा बैंक का पैसा इसमें खत्म होता है फिर।